नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। नमस्कार, मैं हूं सायब अली और आप देख रहे हैं livecities.in। बड़ी खबर आ रही है भागलपुर से। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज एक बार फिर से भागलपुर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी। दरअसल भागलपुर में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप में उनपे गिरफ्तारी वारंट जारी था, जिसके बाद पटना में उन्होंने हाई प्रोफाइल सरेंडर किया। हाई प्रोफाइल सरेंडर इसलिए क्योंकि मीडिया का जमावड़ा लगा रहा वहां पे। शुरू से लेकर के अंत तक, भागलपुर पहुंचने तक, मतलब पटना से निकलने और भागलपुर पहुंचने तक मीडिया का जमावड़ा लगा रहा, काफी बवाल मचा उनके सरेंडर को लेकर के। पटना पुलिस कहती रही कि गिरफ्तार किया गया है उनको, लेकिन वो कहते रहे कि सरेंडर किया गया है। इसी मामले में आज उनकी भागलपुर कोर्ट में सुनवाई हुई उनकी जमानत याचिका पर, जो कि कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुनवाई में उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेजा गया था। वहीं डॉक्टरों ने, उनके वकील ने एक कोर्ट में एक अर्जी डाली कि अरिजीत शाश्वत की जो तबीयत है वो खराब चल रही है। उनकी किडनी में स्टोन की शिकायत थी, जिसके बाद उनको डॉक्टरों की निगरानी में ही जेल में रखा गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि इस मामले में ताजा अपडेट ये भी है कि पुलिस ने 5 और आरोपियों, कुल 9 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसमें 5 और आरोपियों को अरिजीत शाश्वत के अलावे 5 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनको भी, उनकी भी कोर्ट में पेशी की गई, जिसके बाद उनपे भी आज सुनवाई हुई। हालांकि क्या कुछ हुआ है इस पे तो अभी कुछ अपडेट नहीं आया है, लेकिन फिलहाल अरिजीत शाश्वत, उनको राहत नहीं मिली है। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अरिजीत शाश्वत पर तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आगे होगा, ये भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, वहां जाकर के आप पेज को लाइक करिए, जिससे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मिलती रहेंगी। तो फिलहाल अरिजीत शाश्वत को राहत नहीं है। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।